एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कल आपका एग्ज़ाम हुआ था 18 जून को, यूजीसी नेट परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। अब ये कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि ये क्यों रद्द किया गया है, पेपर लीक हो गया था या जो पेपर थे वो किसी ऐसे ग्रुप के पास पहुँच गए थे जिन्होंने ये पहले ही इस पेपर की जो सील थी वो ओपन कर दी थी। तो अभी ये सारी जो बातें हैं ये कल पता चल पाएंगी, क्योंकि अभी सभी न्यूज़ों पर यही जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सभी पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो परीक्षा जो 18 जून को हुई थी वो पूरी तरीके से निरस्त कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। अभी तक के जो इतिहास ही बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम लीक होते जा रहे हैं। यूपी पुलिस एग्ज़ाम वो लीक हुआ, उसके बाद आपका आरओआरओ वो भी लीक हो गया था, उसके बाद आपका अभी रिसेंटली में जो नीट का एग्ज़ाम था वो भी लीक हो गया था, तो अब बात यूजीसी नेट ये भी एग्ज़ाम लीक हो गया। तो इतने सारे एग्ज़ाम ये लीक हो रहे हैं, इनकी अभी तक कोई वजह पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है कि क्या वजह रही है और ये क्यों एकदम से इन्होंने रद्द कर दिया है। अब ये तो कल ही पता चल पाएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये सभी न्यूज़ों पर ये जो न्यूज़ है ये चल रही है, ये पेपर जो है आपका पूरी तरीके से रद्द हो गया है। अब ये एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, कितने टाइम के लिए डिले हुआ है, ये अभी कह नहीं सकते, क्योंकि ये अभी इसमें टाइम लगेगा कि क्या हुआ, पेपर लीक हुआ या पेपर कहीं से चोरी हो गया था या किसी गुरु ने इसको पहले ही लीक कर दिया था। तो अभी ऐसा कुछ रीज़न तो सामने नहीं आया, बस ये पता चला है कि जो आपका पेपर था वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है। अब बात करते हैं जो पेपर है वो इतने बड़े पैमाने पर आखिर लीक क्यों हो रहे हैं, इसमें सरकार की एक नाकामी सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, और ये सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, नीट और यूजीसी नेट और जो आपका नीट के एग्ज़ाम है, ये इंडिया के टॉप 10 के एग्ज़ाम होते हैं जिन्हें जो हाई लेवल के होते हैं। अब ये ऐसे एग्ज़ाम भी अगर लीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार के नाकामी ही बोल सकते हैं। अब ये जो पेपर है, अगर सरकार चाहे तो हर एग्ज़ाम को बड़े ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करा सकती है। इस बार ये कुछ टाइम से पहले ऑफलाइन हो रहा था, फिर बीच में इन्होंने ऑनलाइन कर दिया था, उसके बाद ये फिर से इस बार ऑफलाइन हुआ था, तो इस बार फिर से ही लीक हो गया। अब लीक की जो समस्या है बार बार आ रही है, हर एग्ज़ाम में आ रही है, तो इस लीक की समस्या को कुछ ना कुछ ऐसा सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि ये पेपर जो है लीक ना हो, जिससे भविष्य में ऐसे जो ये छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रही है वो ऐसी खिलवाड़ ना हो। क्योंकि हमने देखा है अगर कोई भी एग्ज़ाम है वो तो री एग्ज़ाम कराते हैं, लेकिन अगर कोई बोर्ड में अगर धांधली होती है तो उसमें कोई ऐसा उसके द्वारा काउंटिंग या वो जल्दी से नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, और वो उनका अगर वो किसी भी पार्टी का सदस्य अगर जीत रहा है तो उसमें अगर दूसरी पार्टी का जीत रहा है और वो उस पर कुछ ऐसा आरोप लगा दे कि भी पेपर लीक हुआ या आपकी वोटिंग ईवीएम में हैक हो गया या कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी बातें वहाँ पर मायने नहीं रखती, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो टाइम पर डिक्लेयर होगा और टाइम से ही उनका जो एमएलए और विधायक जो भी चुने जाते हैं वो सब टाइम पर ही हो जाएगा। पर अब यहाँ बात हो रही है छात्र हित में, तो मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, पर मैं एक ये जनरल सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकार को इस पर एक ठोस कदम लेना चाहिए जिससे आने वाले भविष्य में छात्रों के साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं ना हो, जिससे कि पेपर लीक होते रहे हैं, और इससे जो इनका नुकसान हो रहा है वो छात्रों का ही होता है। क्योंकि अगर कोई भी एक बच्चा अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली लगी हुई होती है। अगर जहाँ पर ये लीक की बात होती है, अगर पेपर तो लीक हो गया, अब तो उस बच्चे का वो किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करता या आगे ही उसी एग्ज़ाम की तैयारी करता अगर वो क्लियर हो जाता, पर क्या हो रहा है बार बार एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है और फिर वो उसे दोबारा ही उसकी तैयारी कर रहा है। तो ये एक गंभीर विषय बन गया है भारत के अंदर कि पेपर लीक की समस्या रोकने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रही है। तो इस पर सरकार को एक सोचने वाली बात है, और इस पर सरकार को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। जो भी पेपर लीक कर रहे हैं, जो भी संस्थाएं, जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो पेपर लीक में संलिप्त पाई जाती है, उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि छात्रों का जो हित है वो उसे अनहित नहीं किया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाना जरूर पड़ेगा। और ये तो रही आज की बात, और देखो कल इसमें क्या न्यूज़ निकल के आती है सामने, क्या हुआ है, पेपर कैसे लीक हुआ है, तो भी मैं उस पर एक कल वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।